Hello dear students, welcome once again to this incredible platform of EduLover. Class 10th quadratic equation chapter number 4 का example number 11 है. क्या है example number 11? चलिए देखते हैं उसे. Find two consecutive यानी कि लगातार odd positive integer. दो लगातार odd positive integer हमें बताना है जिसका sum of whose square. जिसका sum, अगर square का sum करें तो 290 हमें देखने को मिलेगा. तो यहाँ consecutive odd इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है. तो कॉन्सिक्यूटिव यानी कि अगर आप क्या करते हो, वन ऑड नंबर है तो दूसरा लगातार कौन सा होगा, तीन होगा, फिर पांच होगा, फिर सात होगा, फिर नौ होगा, फिर इलेवन, थर्टीन. तो आप किसी भी पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो, यहां से यहां तक का गैप देखो तो दो का है, यहां से यहां तक का गैप देखो तो दो का है, यहां से यहां तक का गैप देखो तो दो तक का है. यानी कि कहीं ना कहीं अगर दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि उसके बीच का गैप कितना होगा, दो का होगा. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. तो अगर हम लोग लेट कर लें, क्या लेट कर लें, लेट द स्मॉलर नंबर या फिर लेट द स्मॉलर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर एक को स्मॉलर को अगर हमने लेट कर लिया है एक्स, तो जो क्या होगा, जो इससे कंपेयरली जो सेकेंड है ना स्मॉलर हो गया, तो हम लोग लिखेंगे सेकेंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर वो कितना होगा, इससे दो ज्यादा होगा. कितना होगा, इससे दो ज्यादा होगा, यानी कि x प्लस टू होगा. ठीक है, कोई इशू नहीं है. पहला अगर स्मॉलर ऑड इंटीजर, अगर स्मॉलर ऑड इंटीजर या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट ऑड इंटीजर अगर x है, तो सेकेंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर कितना होगा, x प्लस टू होगा. अब आते हैं ATQ यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे क्या दिया है, द टू पॉजिटिव इंटीजर, हाँ ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, अगर दोनों का स्क्वायर के सम को किया जाए, यानी कि इसका स्क्वायर किया जाए, दैट इज एक्स स्क्वायर किया जाता है, और फिर इसका स्क्वायर किया जाता है, यानी एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर किया जाता है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि अगर इन लोग दोनों का सम किया जाए, इसका स्क्वायर कर का और इसका स्क्वायर करके दोनों का सम किया, तो कितना आ रहा है, 290 हमें देखने को मिल रहा है. एकदम हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चला है और कुछ नहीं किया हमने. अब फर्दर इसे आप सॉल्व कीजिए और x के वैल्यू को आप फाइंड आउट कीजिए. कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, चलिए देखते हैं. एक्स स्क्वायर है, हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू का साइन है, इसको हम लोग ऐसे दे देंगे. ठीक है, फिर यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू 290. ये प्लस में इधर आया तो माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स. ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस 286 इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, ये प्लस में इधर आता तो माइनस में, तो वही हमने प्लस फोर माइनस 290 कर लिया, तो आ गया हमारे पास माइनस 286. टू यहां पर भी टू कॉमन ले लेते हैं हम लोग. क्या कर लेते हैं, टू कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 143 इक्वल्स टू जीरो. ये टू मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 143 इक्वल्स टू जीरो. ये 143 बचपन में बच्चे बहुत बदमाशी करते थे स्कूल में. ठीक है, कौन कौन बच्चा बदमाशी करता था, हाथ उठाकर बताएगा. ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज्यादा बदमाशी नहीं करेगा. अब यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर आप चाहो तो इसके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो, अगर आप इसे चाहो तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो. लेकिन क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे बना हुआ था, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले मेथड से ही सॉल्व करेंगे. जहां पे अगर हम लोग देखें तो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू माइनस 143 है. कितना है, माइनस 143. ठीक है, 143 बहुत बच्चा बदमाश लोग है ना, सब बदमाश बच्चा लोग यही करता है. सर आप अच्छे से लिख भी नहीं रहे हो, सर क्या ही कर रहे हो सर. ठीक है, चलिए तो एबीसी हमें मिल चुका है. हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई टू ए. ठीक है, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर. बी कितना है, टू, टू का स्क्वायर दैट इज फोर माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू ए, ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है, माइनस 143. तो हम लोग यहां पे लिखेंगे माइनस 143, फिर आ गया यार
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको यहीं पे हम लोग कर लेते हैं प्लस, ठीक है। डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई टू ए, टू इंटू ए, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू वन है, तो टू वन जा टू, ठीक है, टू हमने यहां पे लिख लिया। तो एक्स इक्वल्स टू कितना आया, माइनस टू प्लस माइनस रूट अंडर फोर प्लस, फोर थ्री जा ट्वेल्व कैरी वन, फोर फोर जा सिक्सटीन वन सेवनटीन कैरी वन फाइव, है ना, यानी कि आ गया फाइव सेवन टू, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा टू, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस टू प्लस माइनस रूट अंडर फाइव सेवन सिक्स डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स को दो पार्ट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, एक पॉजिटिव वाला पार्ट और दूसरा निगेटिव वाला पार्ट। तो एक हमारे पास हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस टू प्लस, इसका कितना हो जाएगा रूट, इसका हो जाएगा ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई टू, है ना। तो यहां से एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, इलेवन, कितना आ गया, इलेवन आ गया, ठीक है। और एक कौन सा होगा, एक होगा एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, यहां प्लस वाला पार्ट किया, अब लेंगे हम लोग माइनस पा वाला पार्ट, और इसका रूट होता है 24 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया x इक्वल्स टू माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कट गया, तो x इक्वल्स टू हमारे पास आया माइनस 13, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दो कॉन्जिक्यूटिव हमें ऑड इंटीजर पूछा हुआ था, तो एक तो हमारा आया प्लस 11 में और एक आया माइनस 13 में, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें क्या पूछा था, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो एक्स इक्वल्स टू ये तो हमारा नहीं होने वाला है, ये तो हमारा नहीं होने वाला है, हमारा जो होगा ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो एक जो वैल्यू होगा, अगर एक्स का वैल्यू अगर आप 11 लेते हो, एक्स का वैल्यू अगर आप 11 लेते हो, तो एक्स प्लस टू कितना होगा, दैट इज 13, कितना होगा, दैट इज 13। तो यही हमारा राइट आंसर हुआ, 11 एंड 13। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से और क्लियरली समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एग्जांपल नंबर 12 के साथ। ये एक्सरसाइज जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आपने अभी तक इसे स्टार्टिंग से सॉल्व नहीं किया है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे और साथ ही साथ हम लोग साथ में लर्न भी करते रहेंगे।